अच्छा रोजा कब रखा जाएगा, फजर सादिक शुरू होना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशंस की एक भरमार आती है, एक मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाते हैं, इसका हल चांद के मसाइल के अंदर, वक्त के मसाइल के अंदर, हर जगह पर। अगर आपको उस दिन रोजा रखना है, मिसाल के तौर पर हम आज की बात करते हैं, फर्स्ट करें 4:55 मिनट, अगर आज मुझे रोजा रखना है तो मैं क्या करूँ? रोजे के अंदर मेरे लिए हुक्म शरीयत ये है कि मुझे रोजा उस वक्त शुरू कर देना है कि जैसे ही फजर का वक्त हो तो मैं रोजे की नीयत के साथ उस इबादत के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। वो लहजा मेरा पहला रोजे की नीयत के साथ होना चाहिए, ये मुझको वाजिब। और नमाज का, नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको 100% यकीन ना हो जाए कि वक्त दाखिल पूरा का पूरा हो चुका है। जब तक पूरा वक्त हो चुका है, अब सवाल यह है कि 55 के बाद मेरा मुझे यकीन कब आएगा कि 100% मेरी घड़ी, पाकिस्तान की घड़ी, उसकी कैलकुलेशंस इन तमाम मराहिल से गुज़र कर मुझे ये यकीन आ जाए कि 100% जो खुदा का मुकर्रर करता वक्त था वो हो चुका। बाज़ औक़ात 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बाज़ उलमा फरमाते हैं फजर में कम 20 मिनट तक एहतियात की जाए। अब सवाल क्या होगा, यानी 4:55 पे अगर फ़र्ज़ कर लें कैलेंडर के मुताबिक फजर का टाइम है तो एहतियात क्या बनी? उलमा के बकौल 5:15। तो अब फजर की नमाज़ अगर एहतियात करके पढ़ना है तो 5:15 पे पढ़ना है, सहरी कब ख़त्म करेंगे? 5:15 का नहीं, सहरी तो नहीं। सहरी के अंदर मसला ये है कि आपको उसके अंदर एहतियात करनी, यानी जब मैं रोज़ा शुरू कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस फजर के वक्त दाखिल होने के बाद कोई भी मुबतला रोज़ा में से काम अंजाम नहीं दिया। हो सकता है कि वो 54.5 पे हो चुका था टाइम, मुमकिन है कि मेरी घड़ी आगे पीछे हुई, हो सकता है 50 पे हो चुका था, उसने मिसाल के तौर पे हैदराबाद का या किसी और जगह का कैलकुलेशन बनाया था, कराची 4 मिनट पीछे था, 50 पे हो गया था टाइम। अब मुझे इससे इतना पहले एहतियात करनी पड़ेगी, मुबतला के रोज़ा को छोड़ना पड़ेगा, यानी दूसरे अल्फाज में सहरी ख़त्म करनी पड़ेगी, जिस पे मुझे इत्मीनान आ जाए कि मेरा रोज़ा बिल्कुल सही शुरू हो रहा है। क्या करना पड़ेगा? उलमा आम तौर पे ये काम करते हैं कि उसके अंदर जो कैलेंडर में लिखा हुआ वक्त होता है उसके अंदर 10 मिनट की एहतियात रखते हैं, बस 15 मिनट की भी रखते हैं। तो ये जो सहर का वक्त लिखा हुआ है ये एक एहतियात पहले से लगी हुई है कि 55 लिखा था तो 10 मिनट पहले 45 पे आपको कहा कि आप सहर ख़त्म कर लीजिए। लेकिन डिपेंड करता है आपके इत्मीनान पर कि आपको इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। अच्छा, रोज़े का एक मसला है भी सख्त कि अगर आपने वक्त के अंदर कुछ खा पी लिया, चाहे सहरी का टाइम गलती से आपको पता नहीं चला या कोई गड़बड़ भी हो गई, तब भी बाज़ वराजीन ये कहते हैं कि आपको रोज़ा रिपीट करना पड़ेगा, कज़ा कम से कम करनी पड़ेगी, यानी एक लहजे की मिस्टेक से पूरी इबादत दोबारा करनी पड़ सकती है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि एहतियात, ये एहतियात आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सहर के वक्त के अंदर इतनी एहतियात करना ज़रूरी होती है हर मुकल्लफ के लिए कि वो इस सहर के वक्त के अंदर ऐसे अंजाम दे कि सहरी इतना पहले ख़त्म कर ले कि उसे इत्मीनान है कि फजर के वक्त शुरू होने के अतबार से कोई भी चांस ऐसा नहीं रहे कि मेरे खाने पीने के अंदर या किसी चीज़ के अंदर कोई मुबतला रोज़ा अंजाम देने के अंदर फजर का वक्त बीच में आ सकता हो। मैं मुतमईन हूँ, अब मैं 10 मिनट पहले मुतमईन होता हूँ तो 10 मिनट पहले, अगर मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 मिनट पहले मुतमईन होता हूँ तो 5 मिनट पहले, अगर 15 मिनट पहले तो 15 मिनट पहले, मुझे इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने ये काम इस तरह से अंजाम दिया। ये बात वाजे हो गई, यानी ये जो एहतियात वाली हमने मिसालें शुरू की थी, हमारे इस रोज़े की इबादत के अंदर भी इतना ज़्यादा मुश्किल आ सकती है और आती है कि हमें एहतियात पहले से करनी पड़ती है। नमाज के अंदर मसला ये है कि नमाज का वक्त दाखिल हो जाने के बाद नमाज शुरू करनी है तो हमें बाद तक एहतियात करनी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिकली मुमकिन है ऐसा हो कि आप 4:45 पर नमाज सहर का वक्त ख़त्म हो और फ़र्ज़ कर लें कि आपने सहरी ख़त्म कर ली और 5:15 पर जाकर आप फजर पढ़ने के काबिल बने, यानी दरमियान का जो आधा घंटा था यह पूरा एहतियात का पीरियड गुजरे।
मैं बात वाजह कर पाया। ये जो एहतियात है ये इंसान की इबादत को मुकम्मल तौर पर सही होने का यकीन दिलाएगी। अब मैं एक मिसाल पेश की है 30 मिनट की कि टोटल इतना फ़र्क पड़ सकता है कैलेंडर के अतबार से, जो उलमा के कहे के अतबार से। अब ये सारा डिपेंड करता है इंसान के मुकल्लफ़ के अपने इत्मीनान और यकीन पर कि वक्त दाखिल हुआ है या वक्त दाखिल नहीं हुआ। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बस यहाँ पर आज की हद तक ही छोड़ रहा हूँ और इसका इफ्तार का इंशाल्लाह कल अगली नशिस्त में इंशाल्लाह बयान करूँगा कि वो एहतियात के पहलू कहाँ कहाँ तक आता। मौजू व गुफ्तगू हमारा जारी था कि जो एहतियात और ये क़ुरान के मज़ामीन, क़ुरान का पैगाम बिल्कुल सीधा और सुथरा रास्ता, मजबूत तरीन रास्ता के जिसे क़ुरान हुक्म देता। बस इससे मुतालिक जब हम बात कर रहे थे तो कल हमने अमल सालेह की बात की कि अमल सालेह डिपेंड करता है चंद शराइत पर। उसमें अव्वलीन चीज़ यह है कि इंसान की नीयत कितनी खालिस है और कितनी खालिस रह पाती है, एक बात। दूसरा, इंसान को परवरदिगार आलम ने दीगर तमाम आदाब से भी मुत्तला फरमाया कि अगर फ़लाँ नेकी करनी है, जैसे मैंने कल एक आयत मुबारक पेश की कि अगर किसी की मदद और नेकी करनी है, सदक़ा देना है, तो खुदावंद मुताल कहता है कि देखो एहसान और अजियत देकर इसे ज़ाया मत करना। तो ये एक अदब बयान किया, यानी काम करने का सलीका भी कुरान बताएगा और काम किस नीयत से किया जाए ये भी परवरदिगार आलम की मशीयत के मुताबिक होगा। बात यहाँ तक वाज़े होती है तो मैंने कल आपके सामने एक वादा किया था कि सूरह यासीन की आयतें आपके सामने पेश की जाएंगी। परवरदिगार आलम ने कुछ जगहों पर इंसान को इस तरह से मुतवज्जे किया और वो अल्फाज इस तरह से, वह आयतुल लहुम व आयतुल लकुम। बस ये जो आयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये आयत यानी क्या? ये आयत से मुराद कुरान मजीद की आयत नहीं, ये आयत लुगवी माना में इस्तेमाल हुआ। यानी लुगवी माना आयत के क्या हैं? आयत के लुगवी माना है निशानी। परवरदिगार कहता है तुम्हारे लिए मैंने निशानियाँ रखी हैं। बस जब जब इंसान निशानियों की तरफ मुतवज्जे होता है, मसलन जैसे कल मैंने एक मिसाल पेश की थी कि अगर मालिक देख रहा है तो इंसान का काम करने का अंदाज़ कुछ और होता है और नहीं देख रहा तो काम का अंदाज़ कुछ और होता है। लेकिन बाज़ औक़ात मालिक होता ख़ुद नहीं है लेकिन उसने कहीं कैमरा फिट किया हुआ है। अभी ख़ुद मालिक मौजूद नहीं है लेकिन जो मेरा काम है वो कैमरे के ज़रिए से पहुँच रहा है मालिक तक। तो बिल्कुल वो निशानी जो है ना मालिक की तरफ से मुकर्रर की हुई, वो बिल्कुल बेआईनी ही वही काम कर रही होती है कि मालिक ख़ुद मौजूद होता तो क्या हो रहा होता, वैसे ही उस निशानी के बाद हो रहा है। परवरदिगार आलम ने जो निशानियां बयान की हैं वो निशानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार कहता है वह आयतुल लहुम अल अर्ज़ुल मैता, उनके लिए परवरदिगार आलम ने निशानी बनाई है। क्या निशानी? अल अर्ज़ुल मैता, अर्ज़ो मैता यानी अर्ज यानी जानते हैं आप ज़मीन, मैता यानी मुर्दा ज़मीन। मुर्दा ज़मीन समझना तो बहरहाल आसान है और आप बुज़ुर्गान हैं तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, यानी ऐसी ज़मीन के जिसमें काश्त नहीं हो सकता कुछ, ऐसी ज़मीन के जिसमें से निकलेगा उगेगा कुछ नहीं, मुर्दा ज़मीन कहलाती है। परवरदिगार कहता है कि ये मुर्दा ज़मीन जो है ना ये भी हमारी निशानी है। इंसान आज सारी दुनिया में मुर्दा ज़मीन के बारे में क्या करता है? कहा मुर्दा हो गई, बेकार हो गई, बंजर हो गई, अब किस काम की? अब कुछ भी कर लो, कितना ही पानी डाल दो, खाद डाल लो, कुछ भी कर लो, इससे वो रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन परवरदिगार कहता है सूरह यासीन की इस आयत मुबारक में कि अर्ज़ मईता की मिसाल, अर्ज़ मईता को परवरदिगार आलम निशानी करार देता है। क्या? अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन, उस मुर्दा ज़मीन को बाज़ोक़त हम तुम्हारे सामने ऐसे ले आते हैं कि वो मुर्दा ज़मीन थी, पहले बंजर थी, लेकिन परवरदिगार का करिश्मा ऐसा होता है कि उस मुर्दा ज़मीन को हम जिंदा कर देते हैं। और जब हम जिंदा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वह अखरजना मिन्हा हब्बन, उसमें से हम दाना उगा देते हैं। तुम समझते थे ये बंजर बेकार थी लेकिन जब परवरदिगार चाहता है तो अपनी कुदरत की निशानी दिखाता है, उस बंजर ज़मीन में से दाना निकाल लेता है।
फिर क्या होता है, फमिन हो या कुलून, और उसके बाद होता यह है कि जब दाना निकल आता है ना, फिर इंसान बड़ा शेर बनता है, फिर इंसान बड़ा समझता है कि मैंने कुछ बड़ा कमाल किया। कमाल तुमने नहीं किया, कमाल परवरदिगार आलम ने किया था। और वो परवरदिगार आलम का कमाल ये था कि जब खुदा ने उस बंजर ज़मीन को ज़िंदगी देकर उसमें से वो दाना उगा दिया, फमिन हो या कुलून, ये इंसान आता है, यानी खुदा कह रहा है ये लोग आते हैं और उसमें से खाते हैं। जब खाते हैं तो ये एहसास नहीं करते कि ये जहाँ से दाना आया था वहाँ से उम्मीद भी नहीं थी कि दाना यहाँ से निकल सकता है, नहीं थी उम्मीद, बंजर ज़मीन से कौन उम्मीद लगाता। लेकिन खुदा ऐसी बंजर ज़मीन को ज़िंदा करके दाना उगा के तो उन्हें पहुँचाता है और वो खाते भी हैं। और जब खाते हैं तो उनके लिए एहसास होना चाहिए कि जब मुर्दे में जान डालकर परवरदिगार तुम्हारी ग़िज़ा ला सकता है तो फिर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, जो तुम खुदा से तलब करोगे तो परवरदिगार तुम्हारे लिए भी ये काम कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि तुम वाकई उस परवरदिगार के बंदे बनो, उस मालिक के मानने वाले बनो, उस मालिक के चाहने वाले बनो। अगली आयत में परवरदिगार कहता है वजालना फीहा, और उसी ज़मीन के अंदर क्या करते हैं हम, परवरदिगार कह रहे हैं जालना हमने, अभी किसी और की तरफ नस्बत नहीं दे रहा, वजालना फीहा जन्नातिन, हम उसके अंदर बागात लगाते हैं, किसके, मिन नखीलिन खजूर के बाग लगाते हैं, वह अनाबिन अंगूर के बाग लगाते हैं। ये जो अंगूर और खजूर हम पैदा करते हैं ये कोई आसानी से किसी इंसान के बस का काम नहीं था कि हम इन ज़मीनों से पैदा करते हैं। वह फज्जरना फीहा मिनल उयून, और उसी ज़मीनों के अंदर से हम बाज़ुखत चश्मे जारी कर दिया करते हैं। अच्छा ये तो इतना वाज़े है ना, जिस ज़मीन के अंदर अरब, बल्कि अरब भी बाद में आकर आबाद हुआ, वो जो कबाइल उस मकान से गुज़रते थे जब हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल का दौर था, उस वक्त तो आबादी भी नहीं थी, वहाँ कोई रुकता ही नहीं था। क्यों, कब पहाड़ों के दरमियान की ज़मीन है, इस पथरीले इलाके में ना पानी है ना सब्ज़ा है ना कुछ खाने की चीज़ है ना कुछ है, हयात इंसानी रहे तो कैसे। परवरदिगार आलम ने जब हयात की निशानी बनाना चाही तो क्या निशानी बनाई, का अपने ही नबी को वहाँ बुलवाया, का अपना अपनी औलाद को वहाँ छोड़ कर जाओ, वो के जो दूध पीता बच्चा हो अपनी माँ के साथ तन्हा, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियों को रगड़ रहे हैं, माँ उस बच्चे की प्यास की तड़प में सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही है। परवरदिगार आलम ने इस अदा को ऐसा पसंद किया कि उस नबी के एड़ी के रगड़ने पर उन्हीं पत्थरों के बीच से ऐसा चश्मा जारी किया कि जब तक, जब से जारी हुआ है आज तक जारी है और यकीनन क़यामत तक जारी रहने वाला है। बस ये परवरदिगार की निशानी है ना, खुदा चाहे तो पत्थर में से पानी निकाल दे, खुदा चाहे तुम्हारी मुर्दा ज़मीन में से उगा दे, खुदा चाहे तो तुम्हारे लिए ऐसे असबाब मुहैया कर दे कि जिन असबाब को तुम सोच भी नहीं सकते। बस मैं यहाँ पर रुक कर अपने आज के इस मुनासिबत के मौजू पर आऊँ कि जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर पैगाम दिया कि इस ज़मीन, इस चश्मों, इन दानों और इन तमाम चीज़ों से मुतालिक कि जहाँ उम्मीद नहीं होती, जहाँ चीज़ में कोई जान नहीं होती, जहाँ पर ज़ाहिरन इंसान के लिए कोई इम्कान नहीं होता, परवरदिगार कह रहा निशानी हमने बनाई, होता हुआ नज़र आता है नहीं आता, जब आता है नज़र तो याद रखो ये तुम्हारी कुदरत में नहीं था, ये हमारी कुदरत में था। और जब हमारी कुदरत में था तो याद रखो निज़ाम दुनिया और निज़ाम कायनात हमारी कुदरत और मशीयत पे चला करता है, तुम्हारी ख्वाहिशात पे नहीं चला करता। बस हम जब मशीयत इलाही होती है तो कभी ये भी तुम्हें नज़र आएगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपने के आलम में फ़िरऔन के दरबार में जब इम्तहान लिया जा रहा है, एक अंगारा हाथ में ले लेते हैं और हाथ जल जाता है, मुंह में डाल देते हैं मुंह जल जाता है। लेकिन यही अंबिया के वाक़यात के अंदर कहीं ये भी नज़र आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाने की इतनी बड़ी आग लगाई जाती है कि जिसका मीलों मीलों दूर तक कोई बुझने का इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन परवरदिगार कहता है हज़रत मूसा के सामने रखा एक अंगारा, हाथ जला दिया, मुँह जल गया। हज़रत इब्राहिम के लिए लगाई गई आग मीलों तक फैली हुई आग, कितने ऊंचे ऊंचे वो शोले थे जहां परिंदे गुजर नहीं सकते थे। लेकिन परवरदिगार कहता है हमने जब अपनी कुदरत की निशानी दिखाई तो किया क्या,
का या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हम दिखाते हैं निशानी, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और गुलजार बन जा, सलामती बन जा। बस सवाल करने वाला सवाल करता है, सोचने वाला इंसान सोचता, और हर इंसान को ये पैगाम दिया जाता है, सवाल करे, समझने की कोशिश करे। ऐ परवरदिगार, अगर तुझे इन चीज़ों से बचाना था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा किया, तूने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा नहीं किया। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आग अंगारा बनी थी तो इस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिबास तक को नहीं जलाया, उनके लिए सलामती बन गई। तो कोई तो मसलहत है ना, कोई तो राज है ना। बस यही राज मुझे आज के इस पैगाम के तौर पर आपके सामने पेश करना था कि सारा मामला यह है कि जब मशीयत इलाही जिस चीज़ से मुतल्लिक होती है कि उस वक्त दीन इलाही का पैगाम फैलना इस बात पर मुनहसर है कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अंगारा हाथ को जलाए, जब मशीयत इलाही यह है कि आग अंगारा जलाएगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ भी जलेगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो तकलीफ़ बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी और ख़ुशी से बर्दाश्त भी की। और यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला यह है कि यहाँ पर हुज्जत खुदा को बचा कर दुनिया को ये पैगाम देना है कि देखो इब्राहिम का कोई रब है जो इसे तुम्हारी सारी कोशिशों के बाद भी बचाने वाला। बस वहाँ फिरौन के दरबार में मूसा को बचा कर दीन फैलाना मकसद है, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा कर दीन फैलाना मकसद है। बस जहाँ दीन की भलाई नज़र आएगी ना, और इसका डिसीजन कोई आम इंसान नहीं लेगा, कोई मखलूक नहीं लेगी, इसका डिसीजन लेगा परवरदिगार। हर चीज़ है ताबे मशीयत इलाही, ये है हुज्जत खुदा का फ़ैसला। बस परवरदिगार आलम की तरफ से जो हुज्जत बनकर आया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दीकर तमाम अंबिया, बस ये सारे के सारे उस मशीयत इलाही के ताबे नज़र आएंगे। इनमें से कोई सवाल करता हुआ नज़र नहीं आएगा कि ऐ परवरदिगार मैं तो तेरा नबी बनकर आया था, मेरा मुँह क्यों जल गया। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी नबी ने सवाल नहीं किया, कभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, कभी दीगर अंबिया ने मुसीबतें और सऊबतें बर्दाश्त करते सवाल नहीं किया। बस उम्मत को भी ये इख्तियार नहीं है कि रसूल और आले रसूल से मुतालिक कोई ये सवाल करे कि उन्होंने ये काम किया तो कैसे और वैसा काम किया तो कैसे। बस किसको किसने इख्तियार दिया। बस अगर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नरगए आदा में अपने भाई को बिस्तर पर सुला कर रात की तारीख़ में हिजरत करें तो मशीयत इलाही है, और कभी बदर के मैदान में 313 मुसलमानों के साथ सामने इतने बड़े लश्कर से बरसरे पैकार हो जाएं तो मशीयत इलाही है। कोई एतराज़ करने का हक़ नहीं रखता कि अल्लाह के रसूल इतने से मुसलमान मारे जाएंगे का नहीं, ये मशीयत इलाही है कि बदर की जंग होगी और परवरदिगार बतलाएगा कि ये कम भी कितने भारी होते हैं। ओहद का मैदान बतलाएगा, खंदक व खैबर का मैदान बतलाएगा कि मुसलमानों ने जो ज़हमतें उठाई हैं, खुदावंद मुताल ने जो इनकी मदद की है वो कैसे की है। लेकिन इन्हीं के दरमियान वो मरहला भी नज़र आएगा कि जब परवरदिगार की मशीयत होगी तो चाहे हज़ारों या सैकड़ों का लश्कर साथ होने के बाद, ताकत रखने के बावजूद, जब परवरदिगार की मशीयत होगी तो सुलह हुदैबिया करके अल्लाह के रसूल बताएंगे और परवरदिगार सनद देगा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अल्लाह के रसूल ने उन्हीं जंगों के दरमियान सुलह भी करके बतलाई कि सुलह ऐसे की जाती है। बस ये जो सिलसिले हैं कि मासूम जब कोई अमल अंजाम दे रहा है तो मशीयत के ताबे है, हुक्म इलाही के ताबे है। बस इसी अंदाज से जब रसूल के घराने के किसी अमल की तरफ इंसान मुतवज्जे हो ना, तो ये घराना वो है कि जिस घराने के बारे में अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, और तकरीबन हर एक के लिए लफ्ज़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा मरतबा सुना होगा, हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, खुदा उससे मोहब्बत करता है जिससे जो हुसैन से मोहब्बत करे। बेआईन ही ऐसे ही अल्फाज बहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने नकल फरमाया, हसन मिन्नी व अना मिन्हु,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हसन मुझसे हैं, मैं हसन से हूँ। अहब अल्लाह मन अहबहू, ए परवरदिगार उससे मोहब्बत कर, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हसन से मोहब्बत करे। मौलाए कायनात के बारे में इरशाद हुआ अली यु मिन्नी वाना मिन्हु, अली मुझसे मैं अली से, फ़ातिमा तो बजाए तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। बस ये जो पंजतन की खसूसियात बयान की अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, कहा ये सारे के सारे वो हैं जो मुझसे हैं, मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। बस ये जो मिन्नियत का ताल्लुक़ है ना, ये मिन्नियत का ताल्लुक़ अगर सारी उम्मत की समझ में आ जाए ना, तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इंसान के दूर हो जाएं, बहुत सारे सवालात ख़त्म हो जाएं। इसलिए कि मिन्नियत का मतलब क्या हुआ, रसूल ये नहीं फरमा रहे, उम्मत के बारे में क्या फरमाया गया, उम्मत रसूल की है। मैं उर्दू के अतबार से बयान कर देता हूँ, रसूल की उम्मत है, रसूल से उम्मत नहीं है, रसूल की उम्मत है। बस उम्मत का ताल्लुक रसूल से कलमा पढ़ने के बाद होता है, इसलिए कि जो कलमा पढ़ने वाला है उसका ताल्लुक रसूल से। अच्छा जैसे ही कलमा छोड़ दिया अब क्या होगा, अब क्या उम्मत है रसूल, अब क्या रसूल से कोई ताल्लुक, अब क्या मुसलमान बचेगा, क्या नहीं मुसलमान भी नहीं बचेगा, अब तो ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, अब शफात रसूल नहीं मिलेगी इसलिए कि इसने कलमा रिसालत ही छोड़ दिया। बस ये जो ताल्लुक़ उम्मत का अल्लाह के रसूल के साथ है वो ताल्लुक़ है ऐसा नस्बत का ताल्लुक़ कि अगर दरमियान से वास्ता ख़त्म हो जाए तो ये ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता। लेकिन अहले बैत का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल ने जो समझाया वो ये वाला ताल्लुक़ नहीं था, ये जो अहले बैत का ताल्लुक़ समझाया वो क्या समझाया, कहा ये सारे मुझसे हैं, यानी इनका मुझसे वो राबता है कि अगर ये कुछ हैं तो वो ऐसा ही है जैसे मेरा ताल्लुक़ तुमसे है। क्या मतलब, हदीस किस्सा के अल्फाज मैं दोहरा देता हूँ आपकी बात वाज़े हो जाएगी, क्या फरमाया गया, कि ये सारे के सारे जो चादर के नीचे मौजूद हैं इनका मकाम यह है कि लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, और दमुहुम दमी, इनका खून मेरा खून है। युअल्लिमुनी मा युअल्लिमुहुम, जो इन्हें परेशान और अजियत देगा वो इन्हें नहीं देगा, वो मुझे अजियत देगा। अना हर्बुन लिमन हारबहुम, मैं उसके साथ जंग करूँगा जिसने इनके साथ जंग की। बस ये जो अल्लाह के रसूल ने ताल्लुक़ बयान किया, यानी कैसा ताल्लुक़, ये ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी ऐसा ताल्लुक़ है कि रसूल और आले रसूल का घराना अगर कहीं नज़र आ रहा है तो चाहे अल्लाह के रसूल नज़र ना भी आ रहे हों, इन घराने का कोई एक फ़र्द भी नज़र आए तो अगर उसकी ज़ुबान से कोई जुमला निकले तो बस ऐसा ही समझना जैसे रसूल खुदा ने हुक्म दिया। अगर ये कोई फेल अंजाम देता हुआ नज़र आए तो समझ लेना जैसे अल्लाह के रसूल ने अंजाम दिया। बस जहाँ सारे मासूमीन के लिए जुमले इरशाद फरमाए, इन दो इमामों के बारे में ये जुमला बड़ी वजाहत के साथ तारीख में मिलता है, अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन इमामान हैं, ये दोनों के दोनों इमाम हैं, कामा और कादा, चाहे ये दोनों खड़े हो जाएँ चाहे बैठ जाएँ। और इसकी तशरीह जो उलमा ने की, यानी खड़े होने से मुराद, क़याम से मुराद जंग, कि अगर जंग करें तब भी इमाम हैं, अगर ये सुलह करें तब भी इमाम हैं। बस ये जो अल्लाह के रसूल ने दोनों आइम्मा मासूमीन के बारे में जुमले इरशाद फरमाए, ख़ास तौर पे आज तस्करा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का है, तो उनके हवाले से एक जुमला अर्ज़ करूँ, कि अल्लाह के रसूल ने जो सिफ़ात ज़िक्र की, फरमाया मेरी सरदारी, मेरी सयादत, मेरी हैबत, इसका वारिस है हसन, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से सिफात बयान की। और कैसी हैबत, अल्लाह के रसूल की हैबत के ये वारिस, का हैबत ऐसी थी कि बहारुल अनवार रिवायत का जुमला, गौर कीजिएगा, मैं फ़कत रिवायत का जुमला पेश कर रहा हूँ ताकि बात बिल्कुल जुमले में वाज़े हो जाए। फरमाया ला यतकल्लमु मुहम्मद इब्नुल हनफिया बैना यदयल हुसैन इज़ामन लहू, जनाब मोहम्मद हनफिया कौन है, इमाम मौलाए कायनात के बेटे, का वो बात नहीं करते थे, गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, किसके सामने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने अगर वो मौजूद हों तो उनके सामने गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। क्यों,
इज़ामन लहू, ये उनकी हैबत थी, ये उनकी अजमत थी कि उनके आगे जनाब मोहम्मद हनफिया बोला नहीं करते थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जलालत तो अजमत समझ में आ गई। अब अगला जुमला फरमाया गया का ला यतकल्लमुल हुसैन बैन यदयिल हसन इज़ामन लहू, का जब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे तो सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम कलाम नहीं फरमाते थे अपने भाई की अजमत और उस हैबत की वजह से। बस ये थी हैबत रिसालत, ये था रसूल के बेटे की वो अजमत और हैबत। बस इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के बारे में किसी ने मदीना में किसी ने एक सवाल किया का मुझे कोई ऐसा शख्स बताओ जो बोलने में बहुत फसीह हो, बोलने में फसाहत रखता हो और शक्ल में बहुत खूबसूरत हो, अब मुझे ऐसे अशख़ास से मिलना है। किसी खूबसूरत तरीन शख्स से मिला दो, किसी ऐसे शख्स से मिलाओ जो फसीह तरीन बोलने वाला हो। वो शख्स भी समझदार था, इस बंदे खुदा को लेकर आ गया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। कहा कि तूने दो चीज़ों का सवाल किया है, सबका सब यही मिलेगा, हसन से बेहतर कोई खूबसूरत तुझे नहीं मिलेगा और हसन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा फसीह कलाम करने वाला तुझे मदीना में नहीं मिलेगा। बस इमाम हसन मुश्तबा की शख्सियत, यानी मैं ज़ाहरी एतबार से बात कर रहा हूँ, जो मुआशरे में लोग जिन चीज़ों को जिन सिफात को दर्क कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, बस इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के जो अपनी ज़िंदगी में इस अंदाज से अल्लाह के रसूल की गोद में पले, अल्लाह के रसूल ने इतना एहतराम उम्मत से करवाया कि अपने दोस्त पर सवार करते थे, अपने कंधे पर सवार करके चला करते थे, अब ख़ुद को सवारी बनाकर बच्चों को बिठा दिया करते थे। बस ये जो इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक सवाल किया जाता कि मौला ने सुलह क्यों फरमाई, या मिसाल के तौर पर उस ज़माने के हालात में एक जुमला ज़िक्र किया जाता है कि ये सुलह जब हुई थी तो उस सुलह के फौरन बाद जो हालात पेश आए वो कैसे थे। उस सुलह के फौरन बाद अजीब हालात नज़र आते हैं कि वही लोग के जो मौला इमाम मुजतबा अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे, वही आकर मौला हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उसी में इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि मौला के सामने आकर मौला की तौहीन कर रहे हैं। बस ये ईमान की कमी है, ये आजमत को महसूस न करना है, ये मारिफत की कमी है। जिस मारिफत की कमी का एहसास इंसान अगर कर लेता तो ये हरकत ना करता। यानी अजीब नहीं है, तुफ नहीं है ऐसे लोगों पर कि जो आकर मौला के ख़िलाफ़ ये जुमला कह रहे हो, अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मुमिनीन, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मौला के सामने आकर ये जुमला कहे कि मोमिनीन को जलील करने वाले, यानी ये सुलह समझ ही नहीं पा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे कि मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जो इकदाम किया है वो इकदाम वही है जो हुज्जत इलाही को करना चाहिए। बस ये जो ईमान का नक्स रहा ना, ये ईमान की जो कमी रही, इस ईमान की कमी को कैसे समझा जाए, इसको कैसे एनालाइज़ किया जाए, चंद मिसालें इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि ये जो ईमान की कमी कैसे आई, कैसे चीज़ों को न समझने का नतीजा ये निकला कि आज इस अंदाज से लोग इमाम मुजतबा अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा इमाम वक्त के अमल पर एतराज़ कर रहे थे। और यही चीज़ आपको नज़र आएगी कि जहाँ हालात बदलते बदलते इस गैबत के दौर में बाज़ ऐसे मसाइल भी आपको नज़र आएंगे जो बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखेंगे इमाम मुजतबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। कल इंशाल्लाह कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इस दुआ के साथ के परवरदगार आज शब की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए, तमाम मोमिनीन मोमिनात की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा, हम सब के रिस्क हलाल में बरकत व वसअत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब के मरहूमीन की मगफ़िरत फरमा, आला अलीन में जवार मासूमीन से मुलहक फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर हम सब को अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावात।